सुनने में आया कि इस साल पाकिस्तान में रवायती पपिए और जफ़ियाँ नहीं हो रही, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में सीन कुछ हो रहा है। यहाँ पर पपिए भी हो रही हैं और जफ़ियाँ भी हो रही हैं। ना 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 ना, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप। मुझे किसने करनी है, हम तो अकेले हैं यहाँ पर। तो जिनकी फैमिलीज थी उन्होंने आपस में गले मिले हैं, ईद मिली है आपस में। तो हम तो अभी व्हाट्सएप पे ईद मिलेंगे, लेकिन अभी सब सो रहे होंगे पाकिस्तान। वैसे मेरा प्लान तो ये था कि आज सोएंगे सुकून से, लेकिन आप कुछ एक्साइटिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है हर साल ईद पे मूवी आती है सल्लू भाई की। तो मैंने जो सिनेमा में फर्स्ट मूवी देखी थी ना, वो भी सल्लू भाई की थी। तो आज भी वही मूवी सल्लू भाई की मूवी देखने जा रहे हैं हम। उससे पहले कुछ खाएंगे और मॉल में भी घूमें फिरेंगे, देखते हैं। अभी वैसे कोई प्लान नहीं है, बिल्कुल एक रैंडम सा व्लॉग है, देखते हैं आगे क्या होता है। अभी बज रही है सुबह के 10 और पूरा ऑस्ट्रेलिया सोया हुआ है, कोई रेस्टोरेंट नहीं खुला, कुछ भी नहीं खुला हुआ। ये तो कुछ पाकिस्तानी फैमिलीज होंगी या जो मुस्लिम फैमिलीज जिन्होंने आज नमाज़ पढ़ी है ईद की, वो उठे होंगे और कुछ पकाया होगा उन्होंने, बाकी तो सब सो रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत लेट खुलता है और बहुत जल्दी बंद हो जाता है, तब तक एक मूवी देखते हैं नेटफ्लिक्स पे और फिर कुछ खाने चलते हैं। आपको पता है मीठी ईद हो और मीठे के बगैर तो गुजारा भी नहीं होता। हमारे घर के पास ना एक बड़े मज़े की ब्राउनी शॉप है, उधर जा रहे हैं ब्राउनीज खाने, बहुत मज़े की ब्राउनीज मिलती हैं। तो अभी आपको चेक करवाते हैं। Driving down the road that I grew up on once again. It's when I pass your door. Just like a wave makes me wonder what happened, what you're up to today. Remember when we stole your mother's car, we drove for days. अगर आप लोग रूटी हिल और माउंटेड वाले एरिया में रहते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन पे ये ब्राउनी लाजमी ट्राई करिएगा। अगर आपको ना मज़ा आए तो बेशक मेरे से पैसे ले लेना। ये इनकी ट्विक्स ब्राउनी है और जब ये आप खा लेंगे ना, मैं कहता हूँ ओए होए 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 होए। अभी मैं खा के चेक करता हूँ। ओए होए 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 यार, जब आप खाएंगे ना मुझे दुआएं देंगे, यकीन करें। ले जी, अभी हम आ गए हैं वेस्टफील्ड पैरामेटा में, यहाँ पे हमने देखनी है मूवी। तो इधर सबसे जो बड़ा मसला ना वो है पार्किंग का। पहले तो आपको मिलती नहीं और मिल जाए तो बड़ी मुश्किल से लगती है। अभी गाड़ी पार्क की है तो चल रहे हैं अंदर, मूवी का टाइम हो गया शुरू बिल्कुल। यहाँ पर सेल्फ सर्विस है, यहाँ से हमने खुद ही लेने हैं पॉपकॉर्न वगैरह। और हमारी है मीडियम ड्रिंक भी है साथ, तो वो लेंगे हम यहाँ से। ये है मीडियम, इसके अंदर पहले थोड़े से डालेंगे हम आइस क्यूब्स
ज़्यादा डाल की थी, काफ़ी है। अब हमें चाहिए कोक, चाहिए कोक पे रख के हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे। ये तो गिर रही है, इस तरह से हमने भर लेनी है इसको। और इसके लिड्स वगैरह वो पता नहीं कहाँ पर हैं। यहाँ से हमने एक लेनी है अपनी आइसक्रीम भी, तो ये कम्बो था, हमने वो कम्बो लिया हुआ है। अच्छा, ऐसे ही गुजरते गुजरते ना मैंने H&M देखा है, तो मैंने कहा आई हैं तो कुछ ले ही लेते हैं। अभी चेक कर रहे हैं, ये जो पसंद आई फिर वो ले के जाएंगे। आज ईद का दूसरा दिन है, पहला दिन तो बस ऐसे ही मूवी वगैरह देख के गुजार लिया है, नहीं तो मेरा तो फुल मूड था कि हम सुकून से सोएंगे और इन्जॉय वगैरह का कोई मेरा इस तरह सीन नहीं था। तो आज दूसरा दिन है, इसलिए कपड़े वगैरह चेंज किए हैं और कटिंग करवाने जा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल नहीं था मूड कि मतलब कोई ईद वगैरह मनाएंगे, बस दिल था कि जाएंगे नमाज़ पढ़ेंगे तो आ जाएंगे। मूड इसलिए भी नहीं था कि क्योंकि एक तो घर से दूर हैं, घर में भी नहीं है, और सेकेंडली आपको पता है जो आजकल फ़लस्तीन में हो रहा है, तो कुछ दिनों से ना मैं उस चीज़ को लेकर बड़ा ही अपसेट हूँ। और मेरा बिल्कुल दिल नहीं था कि एक जगह पर हमारे मुसलमान बहन भाई मर रहे हैं और दूसरी जगह पे हम ही लोग ईदें मना रहे हैं। तो कल को अगर हमारे पे ये वक्त आ जाता है तो फिर दूसरे मुसलमान भी ऑब्वियसली ये कुछ ही करेंगे जो आज जो हम लोग उनके साथ कर रहे हैं। इसलिए मेरा तो मूड नहीं था ठीक, तो मैंने सोचा बस ऐसे ही ना सादगी के साथ ईद गुजार देंगे। तो अभी बस कटिंग करवाने जा रहे हैं, बाल काफ़ी बड़े हो गए हैं तो काफ़ी दिन से सोच रहा था, तो आज जा रहे हैं कटिंग करवाने के लिए। मैं जिस एरिया में रहता हूँ ये थोड़ा गाँव टाइप सा एरिया है, तो पहले यहाँ पर कोई भी इस तरह की मार्केट्स वगैरह नहीं थी। ये जब मैं आया हूँ इधर, मेरे देखते देखते ये सारा मॉल वगैरह बना है, ठीक है। ये सारी फूड चेन्स हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी हैं, चाइनीज़ भी है, तुर्किश भी है, इंडियन भी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ।